हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेमिटल एमडी टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट जो कि वॉमिटिंग, उल्टी, चक्कर, घबराहट में यूज कर सकते हैं, और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसके प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है स्टेमिटल एमडी टैबलेट जो कि अबॉट इंडिया कंपनी की है, और इसके प्राइस की बात करें तो 170 रुपये, जो कि एक स्टेप में 15 टैबलेट होती है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको पूरा स्टेप 15 टैबलेट ही लेना है, नहीं, एक टैबलेट, दो टैबलेट, तीन टैबलेट, जितने मर्जी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ देखते हैं प्रोक्लोजिन मैलेट माउथ डिसॉल्विन 5 mg टैबलेट। दोस्तों स्टेमिटल एमडी टैबलेट ये एक एंटी साइकोटिस मेडिसिन है, जो कि उल्टी, घबराहट, चक्कर में सबसे बढ़िया रिजल्ट है इस टैबलेट का। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, उल्टी में। दोस्तों उल्टी, वॉमिटिंग में सबसे बढ़िया रिजल्ट है इसका, तो उल्टी, चक्कर में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करते हुए सफर में उल्टी हो जाती है, जैसे बस में, कार में, गाड़ियों में उल्टी हो जाती है, तो उसमें यूज कर सकते हैं स्टेमिटल एमडी टैबलेट को। नंबर टू, घबराहट, चक्कर आना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है स्टेमिटल एमडी टैबलेट। नंबर थ्री, जी मचलाना, नोजिया जैसे प्रॉब्लम्स में भी यूज कर सकते हैं। नंबर फोर, दोस्तों बहुत सारे लोगों को चिंता, बेचैनी वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी स्टेमिटल एमडी टैबलेट का यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं स्टेमिटल एमडी टैबलेट को, आपको कुछ ही खुराक में आराम मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें स्टेमिटल एमडी टैबलेट को। दिन में एक टैबलेट 1 से 2 बार लेना है। कैसे लेना है दोस्तों? एक टैबलेट 1 से 2 टाइम खाना खाने के बाद लेना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खाना खाने के बाद ले सकते हैं इस टैबलेट को। और दोस्तों इस टैबलेट को पानी के साथ या विदाउट पानी के, पानी के बिना भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मुंह में रख के चूस भी सकते हैं, या पानी है तो पानी के साथ ले लीजिए, तो इन दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। और दोस्तों यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह, एडवाइस जरूर ले लें, क्योंकि हर मरीज का हर डोज होती है, तो इसी तरह यूज करना है आपको। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में यूज ना करें इस टैबलेट को बिना डॉक्टर के एडवाइस के। नंबर टू, छोटे बच्चों को भी यूज ना करवाएं। नंबर थ्री, अगर बाय दफा आप अल्कोहल ले रहे हैं तो ये टैबलेट यूज ना करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसी तरह यूज करना है। और दोस्तों यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह, एडवाइस जरूर ले लें, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो स्टेमिटल एमडी टैबलेट के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।